मैं मदन शर्मा गांव लीलोन से आया हूं, काश्तकार हूं। अपनी परेशानी सभी काश्तकारों की मैं साथ साथ जानता हूं। हमारे इस क्षेत्र को बिजली से बिजली का कनेक्शन देना बंद कर और हम लोगों को बहुत नहीं दिया जाएगा, हमारी फसलें रुक जाएंगी। और न ही हमारा गन्ने का पिछले साल का आज तक भुगतान हुआ। हम वहाँ से भी परेशान हैं, हम बैंक का हमारे से कर्जा नहीं पता, बैंक के कर्जे में हमारे जो है नहीं, हमारी जमीन के देख नीलाम करेंगे, नीलाम हो जाएगी हमारी। तो ये हाल हम काश्तकारों का है, खर्चे घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। और लड़कियों की लड़कों की हमें शादी के लिए किसी साहूकार के पास जाना पड़े, वो भी कहते हैं भाई 3 दिन में ये जिम देंगे, ये 3 दिन में भरे भरा सकती हो, वो भी हमें परेशानी पूरी पैदा हो रही, वो भी कमी नहीं है जी। हमें हर चीज की परेशानी दे रखी है, ठीक है। और नमस्ते जी का हमारी समस्याओं का समाधान करो। बिट्टू चौधरी खेड़ी कर दूं, आवाज आ रही, बोलो आप। हाँ जी श्री, हम ये पूछना चाह रहे हैं, किसान कृषि कार्ड बनवाए थे, पहले सरकार ने योजना चलाई थी, गन्ने का पेमेंट नहीं होता, पैसे निकलवाते हैं ब्याज चल हो जाता है, आपने पहले भी 72,000 रुपए माफ किए थे, ये हमारा है कि ब्याज इधर देना पड़ता है, चीनी मिल हमारा पेमेंट नहीं। बालिंदर सिंह सबका यहाँ स्वागत, बहुत गर्मी है मगर आप सब यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, चेहरों पे थोड़ा पसीना दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संघर्ष करो, ये खून में बदलेगा पसीना। तो शुरुआत से पहले भैया शांत हो जाए, बैठ जाइए पिज्जा भैया, बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप, डिस्टर्ब मत करिए, बैठ जाओ। पत्रकार हैं, जानते हैं, मगर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, नहीं? तो शुरुआत में मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। देवरिया से दिल्ली की हमारी यात्रा है, अब तकरीबन 27 दिन हो गए हैं, 3,000 किलोमीटर से ज्यादा हम चले हैं, और ऐसी हमने रोज एक या दो खाट सभाएं की। हमारी सोच थी कि हम किसान से थोड़ी बातचीत करें, किसान के दिल में जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करें, और जो किसान के मुद्दे हैं वो हम अखिलेश यादव जी और नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं, ये हमारी यात्रा का लक्ष्य है। मैं खुशी से आपको कहना चाहता हूं कि यात्रा काफी सफल रही है, बहुत सारे किसान आए हैं, मुझे तो आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में बहुत समझने को मिला। अखिलेश यादव जी और नरेंद्र मोदी जी को भी पता लगा कि हिंदुस्तान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान त्रस्त है, दुखी है, और उसकी मदद करनी ही पड़ेगी।
खाट सभा में हम 5+ किसानों से बातचीत करते हैं, जैसे आपने अभी अपनी बात रखी। बीच में मैं 2-3 शब्द कह देता हूं और फिर अंत में मैं कंक्लूड कर देता हूं। आपने अभी शुगर मिल की बात की और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसान से गन्ना ले लेते हैं मगर फिर किसान को पैसा नहीं देते। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, आपके साथ ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपने दुकान से कुछ खरीदा तो आपको उसी समय पैसा देना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान में एक किसान है जो अपना माल बेचता है और उसको एकदम पैसे नहीं मिलते। होता क्यों है? क्योंकि किसान जब गन्ना पैदा करता है उसके सामने शुगर मिल की मोनोपोली है। या किसान अपना गन्ना शुगर मिल को दे या फिर किसान भूखा मरे, उसका और कोई रास्ता नहीं। तो अगर इसको ठीक करना है आपको, हमको किसान को 2-3 रास्ते देने पड़े। पहले क्या होता था, बड़ी शुगर मिल होती थी और छोटे क्रशर होते थे। समाजवादी पार्टी ने छोटे क्रशर्स को, मायावती जी ने, समाजवादी पार्टी ने छोटे क्रशर्स को खत्म कर दिया और आपकी सरकारों ने ही शुगर मिल की मोनोपोली आपके लिए तैयार की। डायरेक्ट उनको पैसा शुगर मिल के लोग देते हैं और आपके सामने एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। ये मुश्किल है और इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। अगर आपकी सरकार, चाहे वो साइकिल की हो चाहे वो हाथी की हो, अगर आपकी सरकार आपके साथ खड़े होती, जैसे हमारी सरकार जब पंजाब में थी या जब हमारी सरकार हरियाणा में थी या 27 साल पहले हमारी सरकार आपके साथ खड़े होती, तो आपके सामने ये समस्या नहीं पैदा होती। उस समस्या के ऊपर एक बार आपने गन्ना किसान के सामने शुगर मिल की मोनोपोली खड़ी कर दी तो फिर वो कर्ज में जाएगा ही जाएगा, उसका और कोई रास्ता ही नहीं। तो हमारी यात्रा के 3 लक्ष्य हैं, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, जिसके बारे में आपने अभी बोला कि आपको बिजली नहीं मिलती है, और आखिरी बात कि किसान को गन्ने के लिए, धान के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम दिया जाए और किसान को लगे कि मैंने जो अपना खून पसीना दिया है उसका मुझे फायदा मिल रहा है। आज आप अगर किसान से पूछें, किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी किसान से आप पूछ लीजिए कि आपने जो खून पसीना डाला है उसका आपको फायदा मिल रहा है, आपको हिंदुस्तान में एक किसान निकलेगा जो आपको कहेगा हां मुझे जो फायदा मिलना चाहिए मुझे मिल रहा है। मगर ये जो हमारी 3 मांगे हैं इससे आपको राहत मिलेगी, मदद होगी, मगर इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान की, हिंदुस्तान की किसान की जिंदगी बदले। मैं सिर्फ देखिए 2008 में हमने कर्जा माफ किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, आपको मदद हुई। जैसे कोई कट जाता है तो बैंडेड लगा देता है, मगर आपकी समस्या हल नहीं हुई। मैं आपको बैंडेड दिलवाना चाहता हूं मगर फिर मैं आपकी समस्या हल नहीं करवाना चाहता, मैं वहां नहीं रुकना चाहता। राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बालिंदर सिंह, मैं बालिंदर सिंह गांव कांजरी से। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी थी किसानों को।
लेकिन वह सुविधा ये गंदा शुगर मिल ने खत्म कर दी। अगर हमारा एक दिन लेट किसान क्रेडिट जमा करने में हो जाता है, ये हमारे पे 14% लगा देते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आप राहुल गांधी से, हमारे शुगर मिल 1.5 साल तक का परमिट नहीं दे पा रहे हैं, हमारा ये क्रेडिट कार्ड का ब्याज भी माफ हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान कोई भी शुगर फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं किया पूरा, पूरम में सब शुगर फैक्ट्री ने पेमेंट कर दिया पूरा। ऐसा हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, ये पश्चिम किसानों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? हम पहले शुगर मिल की गन्ना पर्ची लेके जाते थे किसान एक बढ़िया के पास में खड़ की गोली देते, अब उनके इस पर्ची के ऊपर हम कोई उधार नहीं देंगे। अपना टाइम बताओ कौन से दिन आप इस उधार को भुगतान करोगे। तो मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। योगेश कश्यप मीमला। सर मैं गंगा किसान के साथ साथ में मछली पालन का किसान भी हूँ और मुझे बरनगर शामली में मछली पालन का काम सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, इन दोनों जिलों में। कौन सी मछली? मत्स्य पालन मछली। तो नहीं, मगर किस प्रकार की मछली पालन? बंगाल में मंगूर का होता है पालन, उधर होता है सर, यहाँ पर प्रतिबंधित है। अब हमारे साथ समस्या क्या है कि न तो हमारे को व्यवस्था है बिजली के नलकूप की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2014 में आदेश दिया है कि इनको कृषि का दर्जा दिया जाता है, लेकिन प्रशासन क्या करता है कि न तो नलकूप दे रहा है न बिजली का बिल दे रहा है, कुछ नहीं है। अब बिना पानी के कैसे पालन होगा? दूसरे भी यदि कोई प्राकृतिक आपदा, बिना पानी के मछली का पालन नहीं हो सकता। जी मोदी जी की दुनिया में शायद हो जाए मगर उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता। बगैर पानी के बिजली का भी नहीं होगा, गन्ने का भी नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा आ जाती है, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कम पानी हो रहा है, कोई जहर डाल देता है, तो उसमें कोई बीमे की कोई व्यवस्था नहीं है। मगर आप बीमा का पैसा देते हो? जी हाँ। आपसे आपका घट जाता है? जी जी, हर महीने घटता है। मगर फिर मुश्किल होती है तो फिर आपको मिलता है? नहीं सर, बीमे की कोई व्यवस्था है ही नहीं। है ही नहीं? जी। तो मैं तो यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी इन समस्याओं पर भी ध्यान दें। नहीं, मछली पालन में बीमा की व्यवस्था है? कोई नहीं। बैठ जाओ। हमारा पुगला ट्रस्ट फार्म नु कह यही कहने लगा पहला बिल जमा कर दो। ट्रांसफार्मर की मेरी जिम्मेदारी शाम तक आपके घर पहुंचेगा, मैंने आपको ही आपको कहा था मेरी जिम्मेदारी यहाँ इतनी है, छतरी मेरी जिम्मेदारी में पहुंचा। नहीं, पहला नु कह बिल जमा कर दो। मैं फर्स्ट करना चाहिए भगवान हूँ। पहले तो हम सारे किसान राहुल गांधी जी को नमस्कार करते हैं, बहुत अभिनंदन से अपने हमारे बीच पधारे। और आप दूसरी बात, जो यहाँ का देरी है, यहाँ का बिजली विभाग है, जहाँ किसी के बिल करने का पेमेंट ग्रामीण बिल जमा नहीं होते, हमारा बहुत काम घुसाओ ये रुपया पहले भैया माइक में बोलो, हाँ पहले बिल जमा कर दो जेटा धर्म में लगा। अच्छा फसल सूख का खत्म हो जाए कहाँ से दो करे बिल जमा करे जी भुगतान भुगतान मेरी करते भी पास है यहाँ करते हैं। तो उसके बाद में जो हम आज भी पास धर्म दे पाए भैया माइक में बोलो,
और सभी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है जिसके भी जमा नहीं हो रहे, उसका डंडा दे रखा चेकिंग रहे जमा, जिसकी मोटर बिल 7.5 पावर है तो रहे तो 20 पावर का अपने आप जब अपने आप का कीमत 10 पावर 15 पावर अपने आप चढ़ा देते हैं तो उसके भेज तहसील में भेजते हैं, कुछ लोगों की आरसी कटी हुई है। ये बिजली वालों का यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है भैया, मगर आप काफी टेंशन ले रहे हो। हाँ जी है ना। हाँ जी, मगर मोदी जी ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे।